बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हाल ही में इस बात का खुलासा हुआ था कि लव स्टोरीज के लिए कियारा आडवाणी से पहले कृति सेनन को चुना गया था, लेकिन एक्ट्रेस ने करण जौहर का ये ऑफर ठुकरा दिया। एक्ट्रेस ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह का भी खुलासा हो गया है। दरअसल करण जौहर के चैट शो के दौरान एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि कई तरह के किरदार हैं जिनको ना करने के लिए उनका परिवार फैसला लेता है। एक्ट्रेस की माने तो वो अपने किरदार को चुनने से पहले परिवार से पहले राय जरूर लेती है और उसके बाद वो इस पर जरूर सोचती हैं। इसी वजह से उन्होंने खुलासा किया कि लव स्टोरीज में करण जौहर के ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया था, क्योंकि उनकी माँ नहीं चाहती थी कि कृति लव स्टोरीज में काम करे। वहीं अब एक इंटरव्यू में कृति सेनन की मां गीता सेनन ने खुलासा किया कि उन्होंने कृति को लव स्टोरीज में काम करने से मना क्यों किया था। उन्होंने कहा, मेरा मानना था कि हम उसे अपने करियर के शुरुआत में इस तरह के सीन करते हुए देखने में सहज नहीं होंगे, ये सीरीज सिर्फ ऑर्गेज्म के बारे में है। वहीं खुद करण जौहर ने इसका जिक्र करते हुए कहा था कि मैंने ये रोल कृति सेनन को ऑफर किया था और उन्होंने कहा कि उनकी माँ ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी है। मैंने सोचा था कि हर किसी की माँ लाइन में खड़ी होगी और अपनी बेटियों को परमिशन नहीं देंगी। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल कहानी है, ये एक महिला के सुख के आधार के बारे में है। आपको बता दें कि इसे लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि अब करण जौहर कृति को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के बीच बहस छिड़ गई है।